चलिए इस वक्त बड़ी खबर का रुख करते हैं। आजम खान और अब्दुल्ला आजम आज नहीं जाएंगे लखनऊ, ई सिस्टम की होने वाली ट्रेनिंग में नहीं शामिल होंगे। आज देखिए यूपी विधानसभा में ई सिस्टम ट्रेनिंग का आखिरी दिन है। जेल से रिहाई के बाद अभी रामपुर में ही आजम खान, आपको बताएं कि दोनों विधायक हैं रामपुर और स्वार से, और इन दोनों विधायकों को लिहाजा इस ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन आज इनके लखनऊ नहीं पहुंचने की खबर मिल रही है। ई विधान सिस्टम की ट्रेनिंग चल रही है, आज आखिरी दिन है, लेकिन लखनऊ नहीं पहुंचने की खबर मिल रही है। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी उबैदुर से लेते हैं। तो उबैदुर, क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान 27 महीनों के बाद सीतापुर जेल से रिहा होकर कल घर पहुंचे हैं, और कल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि कुछ दिन की छुट्टी चाहिए मुझे, यानी कि जो कमजोरी है, जो बीमारियां उनको लगी हैं जेल में, क्योंकि उनको कोविड भी हुआ था, तो उसके बाद के भी जो असर थे उसकी वजह से वो कमजोर हैं, थके हुए हैं, वो अपना कुछ आराम चाहेंगे और कुछ इलाज कराएंगे। तो आजम खान इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं, और अब्दुल्ला आजम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमे की तारीख है, और क्योंकि मुकदमों से तारीखों पर गैर हाजिर होने की वजह से पिछले दिनों अब्दुल्ला आजम के वारंट भी हो गए थे, तो इसलिए उनको कोर्ट में तारीख पर जाना है। अब्दुल्ला आजम को स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में अपने मुकदमों की तारीख पर जाना है, इसलिए वो नहीं जा पा रहे हैं। तो आज दोनों ये विधायक जो हैं, जो अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, और उनके पिता जो शहर विधानसभा सीट से विधायक हैं, ये दोनों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो निजी मजबूरियां हैं, तो स्वास्थ्य खराब है आजम खान का, वो इसलिए नहीं जा पा रहे हैं, और अब्दुल्ला आजम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि मुकदमे की तारीख पर उनको कोर्ट में हाजिर होना है। बिल्कुल उबैदुर, टेक्निकली इन दोनों को मौजूद रहना चाहिए, इस ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत समस्याएं हैं, स्वास्थ्य और मुकदमे, जिन वजह से ये दोनों ही विधायक नहीं पहुंच पाएंगे लखनऊ ट्रेनिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिरोजाबाद से भी बड़ी खबर है। डिवाइडर से टकराकर पलटी बस, हादसे में बस ड्राइवर की मौत की खबर है। करीब 24 यात्री घायल हुए हैं, ऐसी जानकारी है। बस्ती से हरियाणा जा रही थी बस, और बस में सवार थे 60 यात्री। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, ड्राइवर की मौत की खबर है। करीब 20 से 24 यात्री ये बताए जा रहे हैं जो घायल हैं। बस्ती से ये बस हरियाणा की तरफ जा रही थी, अचानक से ये हादसा हुआ, और ये कहा जा रहा है कि बस में सवार 60 यात्री थे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुआ है।